हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हरलीन और आज फेस्टिव सीज़न के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैसे आपको नेगेटिविटी रिमूव करनी है अपने आसपास से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है और वो रिलेटेड टू योर बैड लक, या लक का टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, या ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एक के बाद एक, कैसे उनको रिमूव करना है और कैसे पहचानना है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपके आसपास नेगेटिविटी है और आप इस वक्त पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा हो कि आप बहुत लो फील करें या बहुत छोटी छोटी बात पे आप डिप्रेस हो जाएं या किसी से मिलते ही आपको ऐसा महसूस हो कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं या वो आपको अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं और वही प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, तो कई बार आप एनर्जी स्कैच करते हैं, आपके ऑरा में दूसरे की एनर्जी आ जाती है आपकी बॉडी में, तो कैसे उनको रिमूव करना है, कैसे अपनी आसपास आपको पॉजिटिव एनर्जीज लेके आनी है, कौन कौन से कलर्स यूज़ करने हैं आपको, तो फेस्टिवल सीज़न के लिए ये स्पेशल एपिसोड है बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं जिसमें आप बहुत सारे लोगों को मिलेंगे, आपके घर पे बहुत सारे लोग आएंगे या आपको बहुत सारे लोगों के घर जाना पड़ता है, तो बहुत नेगेटिविटी कैच होने के चांसेस हैं, या आपने बहुत ब्यूटीफुली अपना घर डेकोरेट किया है और ऐसा लगता है कई बार आसपास से आपको किसी ने बोल दिया कि बहुत अच्छा लग रहा है आज, तो आपके लिए वो एक नेगेटिव कई बार कॉम्प्लीमेंट हो जाता है एंड उसके बाद आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो कैसे बचाया जाए अपने आसपास की चीज़ों को उन नेगेटिव एनर्जीज से, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि एनर्जीज ठीक नहीं है, डिस्टर्ब्ड हैं। बार बार अगर कोई बीमार हो रहा है घर पे, या आप लो फील कर रहे हैं, या एक्सीडेंट हो रहा है, या ऐसे कोई भी काम है जो होते होते रुक रहे हैं और अड़चन आ रही है, या हैवीनेस फील कर रहे हैं आप, हेडेक फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, प्रेशर, टेंशन, जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, दैट मींस आपको इस वक्त पॉलिश की ज़रूरत है, इस वक्त आपको अपनी एनर्जीज़ को एनहांस करने की ज़रूरत है। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो आसपास इस वक्त आ चुकी हैं, तो आपको उनसे कैसे अपने आप को सेव करना है, मॉर्निंग में 3-4 में टिप्स दूंगी आपको सुबह उठ के करने हैं अपने लिए। आपको क्या करना है, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं अपने लिए एक ऐसा गुड लक चार्म आप खुद बना सकते हैं, जैसे आप कोई रिंग पहन रहे हैं, कोई ब्रेसलेट पहनते हैं, या आप कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपके आसपास रहती है, उसको आपने अपने हाथ में पकड़ के और अगरबत्ती उसके ऊपर करके आप अपना मंत्र चैंट कर सकते हैं एंड उस मंत्र से उस चीज़ को आपने अभिमंत्रित करना है, आपने उस चीज़ को एनर्जाइज करना है और उसके अंदर अपने वो विश डालनी है जो आपको चाहिए। आपने डालना है कि हम इसमें प्रोटेक्टेड हैं, जब तक ये चीज़ हमारे साथ है हम प्रोटेक्शन शील्ड की तरह उसको यूज़ करेंगे, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, किसी की भी कोई बैड एनर्जीज, बैड वाइब्रेशंस आसपास की आपके ऊपर नहीं अटैक करेंगी। तो आपने उसको लेकर ऐसे आपने उसको लिया और मॉर्निंग में अगरबत्ती से चार्ज करके, चैंट करके आपने उसको अपने पास रख लिया और पहन लिया, तो आपका जो मंत्र है, आपका जो मूल मंत्र है, जो भी कोई भी आप चैंटिंग करते हैं उससे आपको उसको एनर्जाइज करना है, उस रिंग को, उस ब्रेसलेट को, उस पेंडेंट को, कोई भी चीज़ को आप ऐसा कर सकते हैं और वो आपको करना है हर रोज़ डेली, आप घर से निकलने से पहले उसको आप चैंट करके, मंत्रित करके अपने पास रखेंगे। दूसरा टिप जो है वो है कैसे अपने ऑरा से नेगेटिविटी हटा के आपको प्रोटेक्शन रखनी है। आपने अपने आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बनानी है, आपने ये देखना है कि आपके सिर के ऊपर और पैरों के नीचे एक शील्ड है, आप एक बॉल के अंदर हैं और इसमें आपने इंटेंशन अफर्मेशन डालनी है कि आप इसके अंदर प्रोटेक्टेड हो और हर वक्त आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। तो घर से निकलने से पहले आप ये दो काम कर सकते हो ताकि आपको किसी की भी नज़र या बैड वाइब्रेशंस या बैड एनर्जीज अटैक नहीं करेंगी, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कुछ बैड रेज रहती हैं एनवायरनमेंट में, कभी कभी ऐसा इक्लिप्स का टाइम है या कोई प्लैनेटरी चेंजेस आ रहे हैं, प्लैनेटरी मूवमेंट्स आ रहे हैं, तो कई बार प्लैनेट्स की एनर्जीज आपके ऑरा में आ जाती हैं। तीसरा टिप है आपने अपने आसपास येलो कलर यूज़ करना है, आप येलो कलर को इंटेक कर सकते हैं, जो लोग मेडिटेट करते हैं ध्यान लगा के आप अपने चक्रास में येलो कलर अपनी बॉडी में इनहेल करेंगे, आपने आँख बंद करके मेडिटेट करके वो चक्रास में से येलो कलर अपनी बॉडी में लेना है
उससे आपको एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगी। तो चक्रा हीलिंग कर सकते हैं, जो हीलर्स हैं, मेडिटेटर्स हैं, जो लोग योगा करते हैं या कोई भी ऐसा आसन करते हैं, उस वक्त आपने येलो कलर अपने अंदर इनहेल करना है और आपने नेगेटिविटी को बाहर निकालना है, वो होगी ब्लैक कलर में। तो ब्लैक कलर को आप विजुलाइज करके, उसको फील करके, आप ब्लैक को ब्रीथ आउट करेंगे एंड येलो को आप ब्रीथ इन करेंगे। येलो रहेगा पावर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एंड एनर्जी के लिए। तो ये जो 10 टिप्स थे, इससे आप अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जीज लेके आ सकते हैं एंड नेगेटिविटी आप रिमूव कर सकते हैं। तो हम एक मैसेज लेते हैं आप सबके लिए, कैसा रहेगा ये फेस्टिवल सीज़न, और एक मैसेज होगा जो आप सब यूज़ कर सकते हैं। तो एंजल्स का जो मैसेज है वो है आर्क एंजल रफेल। आर्क एंजल रफेल हीलिंग एंजल हैं, इनकी ग्रीन कलर है, तो आपने ग्रीन कलर को अपने आसपास रखना है। आप ग्रीन कलर के कर्टन्स यूज़ कर सकते हैं, आप बेडशीट यूज़ कर सकते हैं, आप कपड़े पहन सकते हैं ग्रीन कलर के। इस हफ्ते पूरे 6 डेज ये आपके लिए रहेगा एंड कोई भी ऐसे चैलेंजेस हैं जो फिज़िकली आपको परेशान कर रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड या कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई बीमारी चल रही है जो बहुत लंबे टाइम से चल रही है, तो वो आर्क एंजल रफेल हील करेंगे, बिकॉज ये हीलिंग एंजल है। एंड हीलिंग तभी होगी जब आप इनको कॉल करेंगे एंड वो ऑटोमेटिकली जो भी प्रॉब्लम है उसको हील कर देंगे। सो ये था आप सबके लिए एक मैसेज इस फेस्टिवल सीजन के लिए। तो हम बात कर रहे थे कैसे नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना है। आप 7 कलर्स यूज़ कर सकते हैं अगर आप डेली यूज़ में लाना चाहते हैं पॉजिटिव एनर्जी को अपने ऑरा में। तो 7 कलर्स क्या हैं, कैसे 7 कलर्स हमारी बॉडी में अटैच्ड हैं, क्या है ऑरा, जो हमारा आभा मंडल होता है, हमारी बॉडी के आसपास जो एनर्जीज रहती हैं वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। 7 कलर्स मीन्स जो विबग्योर कलर है, सबसे पहला जो चक्र होता है बॉडी का, देर आर 7 चक्रस इन बॉडी। तो उसमें जो कलर हैं 7 कलर्स, वो है रेड, ऑरेंज, येलो, देन ग्रीन, ब्लू, पर्पल एंड वाइट। तो ऐसे ही 7 कलर्स को आपको यूज़ करना है। ऐसा नहीं सोचना कि हमें ये कलर सूट नहीं करता है, ये कलर नहीं यूज़ करना है। आप सारे कलर्स यूज़ कीजिए ताकि आपकी एनर्जी बढ़ी रहे और आपके हर वक्त आपके आसपास सारे एनर्जीज हों। हर प्लैनेट की, हर कलर की एक अपनी एनर्जी है। तो आपने सारे कलर्स यूज़ करने हैं ये 7 डेज। येलो कलर स्पेशली आप यूज़ कर सकते हैं फॉर पॉजिटिव एनर्जीज एंड एनहेंसमेंट, तो पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। और जो भी काम नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप वाइट कलर अपने आसपास रखेंगे। वाइट कलर से आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा, आपके कोई भी आपके काम नहीं हो रहे हैं तो उससे आपको पैनिक नहीं होगा, आप गुस्सा नहीं आएगा आपको। जिनको बहुत गुस्सा आ रहा है तो भी वाइट कलर यूज़ करेंगे। तो कलर थेरेपी जो यूज़ करते हैं उससे भी बहुत सारी नेगेटिविटी है जो रिमूव होती है। तो येलो कलर मैंने बताया फॉर एनर्जी एंड सक्सेस, एंड वाइट कलर आप यूज़ करेंगे पीस ऑफ माइंड के लिए एंड जो भी रुकावट आ रही है उसको हटाने के लिए। हम बात करेंगे ग्रीन कलर की। आप ग्रीन कलर यूज़ करेंगे तो ग्रीन कलर से जिनको भी कोई प्रॉब्लम चल रही है रिलेटेड टू हेल्थ, या हेल्थ डाउन रहती है या कोई बहुत लंबी बीमारी चल रही है, तो आप ग्रीन कलर यूज़ करेंगे इस हफ्ते। तो कहीं ना कहीं आप ग्रीन को अपनी ऑरा में लेकर आ सकते हैं। आप ग्रीन कलर का कोई हैंकी रख सकते हैं, आप ग्रीन कलर का कोई कपड़ा रख सकते हैं या पर्स रख सकते हैं, कोई भी चीज़ के फॉर्म, किसी भी चीज़ में आप खाने में यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा ग्रीन कलर, आप पीने में यूज़ कर सकते हैं। तो कलर थेरेपी से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं, बिकॉज अभी बहुत सारी नेगेटिविटी आपको आ सकती है बिकॉज आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं जिसमें गेट टुगेदर होता है, बहुत सारी एनर्जीज एक साथ मिलती हैं। तो 2-3 कलर्स की जो मैंने बात की ये आप यूज़ कर सकते हैं। एंड पर्टिकुलर कोई कलर अगर आपको यूज़ करना है, आपको ऑरेंज कलर यूज़ करना है, वो आपके लिए पावर लेके आएगा आपके गोल्स को पूरा करने के लिए। तो जिनको भी अपने गोल्स अचीव करने हैं, जो ड्रीम्स हैं वो आपके पूरे नहीं हो रहे, उसके लिए आप ऑरेंज कलर यूज़ करेंगे। सो ऑरेंज कलर का आप कुछ भी अपने आसपास रख सकते हैं। आप ऑरेंज कलर 6 डेज वेयर नहीं कर सकते तो उसका कोई भी आप सब्स्टिट्यूट रख लीजिए अपने पास में। आप ऑरेंज फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं। सो कलर थेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप
कितने सारे कलर्स हैं, अगर सब कुछ ब्लैक एंड वाइट होगा तो क्या होगा. तो ऐसे ही सारे कलर्स का अपना एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है, एक इम्पोर्टेंस है. सो ये जो कलर्स हैं इनको यूज़ कीजिए एंड नेगेटिविटी से बचिए. एंड अपने आसपास प्रोटेक्शन शील्ड लेकर ज़रूर जाइए घर से बाहर, एंड मंत्र चैंट करके उस चीज़ को एनर्जाइज करके आपको अपने पास रखना है. एंड आपने जो भी एनर्जाइज की है उसको डेली आपने क्लीनिंग करनी है, बिकॉज आपने अपने लिए एक रिंग या ब्रेसलेट या कोई भी पेंडेंट को चार्ज किया, तो जब आप वापस आएंगे घर पे तो पूरा दिन की जो भी नेगेटिविटी होगी वो उसके ऊपर आ जाएगी. तो आपको उसको रिमूव करना है. आपने एक सॉल्ट वाटर, एक पानी का बाउल लेना है, उसमें नमक डाल के उसमें सोक कर देंगे ओवरनाइट, एंड मॉर्निंग में उठ के वापस आपने अगरबत्ती से उसको चार्ज करना है. तो वो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज लेके आएगा, नेगेटिविटी रिमूव करेगा एंड स्ट्रेंथ देगा. तो ये थी आज के 3 टिप्स एंड कलर थेरेपी को कैसे आप अपनी लाइफ में लेकर आएंगे इन फेस्टिवल डेज में. हम मिलेंगे टैरो रीडिंग के लिए बहुत जल्दी, और एक लाइव होगा जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं. जिनको भी मुझसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है या कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो टैरो कार्ड से लाइव पूछ सकते हैं. आप इन नंबर्स पे कॉल करके आप मेरे से बात करेंगे, बहुत जल्दी लाइव की अपडेट आपको आएगी. आप सबके लिए एक जानकारी, अगर आप कोर्सेज करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड्स या रेकी हीलिंग या एंजल थेरेपी, कैसे आप किसी का भविष्य देख सकते हैं या हीलिंग कर सकते हैं, आप किसी के घर से कैसे एनर्जी स्कैन कर सकते हैं, वास्तु स्कैन कर सकते हैं, एनर्जीज कैसी हैं, अगर आप डिटेक्ट करना सीखना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर हरलीन को. देहरादून में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में एंड मुंबई में क्लासेस रहती हैं. अगले महीने से न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. आप इन नंबरों पे बात करके अपनी सीट्स बुक कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं इन कोर्सेज के लिए. जो हीलर्स हैं वो ऑलरेडी एडवांस्ड, जो ऑलरेडी हीलर्स हैं वो एडवांस्ड लेवल सीखना चाहते हैं आगे, तो आप इन नंबर पे मेरे से बात कर सकते हैं. एंड को ऑफिस में आप फ़ोन करके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं. नेक्स्ट मंथ से न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. आप मेल्स कर सकते हैं heal yourself11@gmail.com, और आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 09634274722. एंड हम मिलेंगे लाइव कॉलिंग के लिए. थैंक यू फ्रेंड्स.